डॉक्टर मनीष रणाकर जी। डॉक्टर साहब पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद जी। वर्तमान में जो गर्मी चल रही है उसको लेके क्या कहेंगे, क्या है मौसम के बारे में जी। अभी जैसे देख रहे होंगे कि पिछले कुछ 2-3 दिन से गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है। उससे पहले हालांकि हीट वेव कंडीशंस बनी हुई थी प्रदेश में, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी जगह पे गरज चमक के साथ वर्षा हुई है, जिसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें काफी गिरावट आई है और उसके चलते हीट वेव कंडीशंस काफी कम हो गए है प्रदेश में। और ये जो गरज चमक के साथ बारिश हुई है उसका प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण पिछले 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि प्रदेश में काफी जगह पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हुई है और डस्टॉर्म एक्टिविटीज भी हुई है। तो ये सिलसिला अभी आज के दिन भी जारी रहेगा बारिश का। कल से इस समय थोड़ी सी कमी आएगी बारिश में, कल वार्निंग थोड़ी कम है और परसों से बारिश कम होने के आसार है, पूर्वानुमान है हमारा। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि जो मौसम है मानसून है उसको कब तक आने की उम्मीद? अभी फिलहाल मानसून कॉन्सेप्ट यूपी के लिए तो हम लोगों ने नहीं दिया है। अभी ऑनसेट का मानसून का ऑनसेट के बाद यूपी के बारे में अभी फिलहाल पूर्वानुमान नहीं जारी किया गया। कहा जाता है कि जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आपकी बार क्या लगता है कि कैसा रहेगा गर्मी का? अभी भी हो सकते हैं क्योंकि जनरली अप्रैल मई और जून में हीट वेव कंडीशंस प्रदेश में क्लाइमेटोलॉजिकली बनी रहती है, तो जून में भी हीट वेव कंडीशंस हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा 5 दिन का पूर्वानुमान है उसमें हीट वेव के कोई हमारा पूर्वानुमान नहीं। यूपी में कुछ जगह जो है येलो अलर्ट जारी किया गया था और कहा जा रहा था तूफान आने की या आंधी आने की संभावना है, अभी क्या है? अभी फिलहाल तो ऐसा मतलब वो हमारा नवकास्ट का जो पूर्वानुमान रहता है उसमें दिया गया था कल और परसों, जो कि मतलब काफी हद तक सही भी साबित हुआ। वो लोकल थंडरस्टॉर्म में जो आंधी चक्रवात मतलब आंधी तूफान जो होता है उसके लिए वो अलर्ट था। ये थे हमारे साथ भारत विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और इन्होंने बताया कि अभी जो है वो अगले 2-3 दिनों में फिर से गर्मी जो है वो